हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग सेशन 33 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, सिलेक्ट द टाइटल टेक्स्ट समर कैंप। इसमें समर कैंप लिखा हुआ, उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिए और इसमें बोल रहा है एंड चेंज इट वर्ड आर्ट स्टाइल बाय यूजिंग इंसर्ट अ टेक्स्ट ग्रुप वर्ड आर्ट। सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे और टेक्स्ट ग्रुप में ही आपको मिलेगा वर्ड आर्ट, क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। चलिए, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टाइटल टेक्स्ट समर कैंप। तो समर कैंप को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे एंड गिवन अ सुटेबल ट्रांसफॉर्म इफेक्ट टू इट यूजिंग ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट एंड वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप टेक्स्ट इफेक्ट। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, इफेक्ट को चूज करेंगे और ऑन सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट द टेक्स्ट दिस समर हेल्प योर चाइल्ड। लिखा हुआ है आपका यहाँ पे है, दिस समर हेल्प योर चाइल्ड, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड अलाइन इट विद द लेफ्ट मार्जिन यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप अलाइन लेफ्ट। यहाँ पे आएंगे, क्या करना है, अलाइन लेफ्ट करना है पैराग्राफ ग्रुप में। अलाइन लेफ्ट आपका ये रहा, क्लिक करेंगे और ऑन सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और फोर नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट दिस समर हेल्प। बस इसी को फिर से सिलेक्ट करना है और क्या बोल रहा है, सेशन ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट इवेंटली बिटवीन द मार्जिन यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप जस्टिफाई। अब इसमें क्या करना है, इसे जस्टिफाई करना है होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप से जस्टिफाई टूल्स का प्रयोग करके। यहाँ पे जस्टिफाई रहा, क्लिक करेंगे और ऑन सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। कि कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पिक्चर गिवन एट द बटन। इसे पिक्चर दिया गया है जो नीचे, यहाँ पे पिक्चर है, सेलेक्ट करेंगे ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई पिक्चर स्टाइल वॉवेल रेक्टेंगल यूजिंग फॉर्मेट ऐप पिक्चर स्टाइल। यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे और पिक्चर स्टाइल इसमें अप्लाई करना है, कौन सा वॉवेल रेक्टेंगल करना है। यहाँ से चूज करेंगे कौन है, ये नहीं है, ऐसे एक एक करके रखेंगे। जैसे ही कर्सर रखेंगे वहाँ पे दिखा देगा कि क्या है, कौन सा इफेक्ट है हमें करना है, वॉवेल रेक्टेंगल करना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है या आप चाहे तो वॉवेल रेक्टेंगल यहाँ पे है, क्लिक करेंगे और आंसर करेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ट्रायंगल त्रिभुज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसमें क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द ब्रांच एंड रोटेट ईच टू 180 डिग्रीज यूजिंग फॉर्मेट है। इसे क्या करना है ना, 180 डिग्री पे रोटेट करना है।
आएंगे यहाँ पे रोटेट पे और मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे रोटेशन पे आएंगे, मोर रोटेशन पे आएंगे और यहाँ पे रोटेशन वैल्यू है, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे, सबमिट करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स आर टू बी ग्रुप्ड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, कीपिंग द शेप की प्रेस्ट, सेलेक्ट द पिक्चर एंड एक्सप्लोसिन शेप सिचुएट एट द बटन ऑफ द ब्रॉन्चर ग्रुप द सेलेक्टेड इमेज यूजिंग पिक्चर टूल्स फॉर्मेट ऐप अरेंज ग्रुप ग्रुप। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पिक्चर जो है ना इसे क्या करना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए और क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और यहाँ से अरेंज ग्रुप से आकर के ग्रुप आकर के ग्रुप पे क्लिक करना है, इसे एक साथ कर देना है, यहाँ पर मैंने एक साथ कर दिया। अब इसे सबमिट करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, ऐसे ओपन नहीं हुआ, ऐसे कट करेंगे और फाइल में करके एक नया जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, समर कैंप ही लिख देंगे यहाँ पे, इंसर्ट में आएंगे और एक वर्ड आर्ट को इसमें अप्लाई कर देंगे, समर कैंप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करना है, इसमें एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाना है, टेंगल डाउन अनुसार इसमें क्या करेंगे, एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द डॉक्यूमेंट्स बाई यूजिंग रिव्यू टैब, रिव्यू टैब पे आएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आएंगे और ओके कर देंगे, सबमिट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट अ बॉन्डेड कवर पेज यूजिंग इंसर्ट टैब, इंसर्ट में जाएंगे, पेज ग्रुप में पेज कवर में जाएंगे और यहाँ से एक बॉन्डेड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट हुआ, सबमिट करेंगे। यस आई एम पे क्लिक करेंगे, इन एग्ज़ाम को बॉक्स में पेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। ओके करेंगे, देखिए अटेम्प्ट 2 था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।